और आयुष मंत्रालय की रिपोर्ट है मैडम कि 26.3% की दर से प्रतिवर्ष इस चिकित्सा पद्धति का ग्रोथ हो रहा है, यानी होम्योपैथी को अपनाने की जो स्वीकार्यता है वो 26.3% हर साल हिंदुस्तान में बढ़ रही है। लेकिन जब बजट अलॉट करती है सरकार, 2122 करोड़ रुपए का टोटल बजट है आयुष मंत्रालय का, लेकिन उसमें से मात्र होम्योपैथी के लिए 138 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है, जो इस चिकित्सा पद्धति को देखते हुए बहुत कम है। इस बजट को बढ़ाया जाना चाहिए। जो सरकारी अस्पताल हैं देश में होम्योपैथी के, वो 207 की संख्या में है। जो डॉक्टर्स की संख्या है वो 2,24,000 के आसपास है। जो डिस्पेंसरीज हैं वो 7,856 है। और इतना बड़ा नेटवर्क होने के बावजूद अगर आप सोचते हैं कि होम्योपैथी को हिंदुस्तान में बढ़ावा 138 करोड़ रुपए के बजट से आप दे पाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल काम है। अभी यहाँ पे कहा गया सरकार के तरफ से भी और विपक्ष के तरफ से भी कि ये वो पद्धति है होम्योपैथी जिसमें जड़ से बीमारी को खत्म किया जाता है, और ये ऐसी होम्योपैथी ऐसी विधा है जिसमें मीठी गोली दी जाती है मैडम। तो ये सरकार भी मीठी गोली देके हिंदुस्तान में जड़ से सारी चीजों को खत्म करने पे लगी हुई है। वो चाहे सरकारी नौकरियां हो, जड़ से खत्म हो रही हैं। हिंदुस्तान में रोजगार जड़ से खत्म हो रहा है। हिंदुस्तान में नफरत की राजनीति लगातार बढ़ रही है। तो जो ये सरकार के काम करने की पद्धति है होम्योपैथी की तरह मीठी गोली देके झूठे वादे करके, बस मैं खत्म कर रहा हूं मैडम, झूठे वादे करके देश को गुमराह करके जड़ से सारी चीजों को खत्म करना। और आज मैं मैडम आपके सामने बोल पा रहा हूं, मेरा सौभाग्य है, आपको इस चेयर पे देख के मुझे प्रसन्नता हो रही है। लेकिन इस सरकार ने इस काबिल भी शायद मुझे नहीं छोड़ा है, और हो सकता है कि 4 दिन बाद मैं जेल में दिखूं। देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया मैडम, देशद्रोह का मुकदमा योगी सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा मैडम लगा दिया। क्या इस सदन में बैठने वाला सदस्य देशद्रोही है? मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं, अगर मैडम हम देशद्रोही हैं तो मुझे उठा के जेल में डाल दिया जाए। इस देश के सर्वोच्च सदन में बैठ के एक देशद्रोही आपके सामने बोल रहा है, मुझे जेल भिजवाइए। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। हनुमंतैया जी, डॉक्टर हनुमंतैया। यस मैडम, थैंक यू मैडम। वैसे यू हैव 8 मिनट्स, बट वी हैव टू वाइंड अप बाय 11:30, दैट इज व्हाट द मैसेज हैज कम, सो इफ यू कैन कीप इट शॉर्ट आई विल बी रियली ऑब्लाइज्ड। ओके मैडम। तो ऐसी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे।